प्यारे, 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 प्यारे। कहते हैं इनकी तीन जन्मों की कथा भागवत में वर्णन आती है की गई है। कहते हैं कि इनको राजपाट मिला, राज्याभिषेक किया, ऋषभ देव महाराज जी वन में चले गए भजन करने के लिए, और इसके बाद में भरत जी राजा बने और बहुत दिन तक राज्य का कार्यभार संभाला। और इसके बाद में मन में वैराग्य आ गया कि देखो मेरे पिता श्री वन में चले गए हैं और मुझे भी अब समय के अनुसार चले जाना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया सुमति। इसके बाद सुमति का कहते हैं राज्याभिषेक करके वन में गए और दामोदर कुंड जहाँ पे गांडकी नदी यानी नेपाल, वहाँ जाकर के नदी के किनारे बैठ गए और माला जप करने लगे, भजन करने लगे। तो उन्होंने एक दृश्य को देखा कि एक हिरणी आती है जो कि गर्भ से थी, प्यारे गर्भ से थी, और पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई तो प्यारे कहते हैं उसका गर्भ वहीं पे, कहते हैं वहीं पे उसने अपना गर्भ छोड़ दिया जल के अंदर ही। अब इस दृश्य को देख रहे थे भरत जी, उन्होंने मन में विचार किया कि देखो संतों का भाव होता है कि अपने नजर संत क्या, ये समस्त प्राणियों को सोचना चाहिए कि अपने आंखों से यदि हो सके तो अच्छा ही देखे, नहीं तो बुरा होते हुए ना देखे। और संत का स्वभाव है कि बिगड़े हुए कार्य को बनाना, अगर हमसे बन रहा है तो किसी का भला हो रहा है तो कर देना चाहिए। उन्होंने मन में विचार किया कि देखो शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी का जो गर्भ था तो बीज जल में ही छोड़ दिया, और इसके बाद हिरणी उस पार हो गई और उसका जो छोटा सा शिशु बालक हिम्रत है वो प्यारे जल में बहने लगा। तो जाकर के भरत जी ने उनको उसको पकड़ लिया, प्यारे पकड़ करके बाहर लाए, हरी हरी घास लाए। कहते हैं गए थे वन में किस लिए, भजन करने के लिए है, गए थे भजन के लिए। लेकिन कहते हैं ओटन लगे कपास है ना, अब दो चार माला जो परमात्मा के नाम की फेर लेते थे दिन भर में, तो प्यारे अब उस मृग के चक्कर में वो भी छूट गई, मालूम है। इसीलिए वेद शास्त्र कहते हैं कि जीवन में कभी किसी से मोह नहीं करना चाहिए, ममता समस्त जीव प्राणीधारियों से करनी चाहिए, लेकिन मोह नहीं करना चाहिए। मोह कहते हैं बंधन है, किसका मोह बांधता है व्यक्ति को, ममता व्यक्ति को उभारती है। ममता रखोगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन मोह उत्पन्न हो गया तो भी व्यक्ति कहता नहीं है कि हम उसके बगैर जी नहीं पाएंगे, है हम उसके बगैर जी नहीं पाएंगे, तो ये मोह है, मोह नहीं करना चाहिए। अब दो चार माला जो जप कर रहे थे प्यारे तो गड़बड़ हो गया, अब सुखी हरे हरे पत्ते लाते है ना, अब उसकी सेवा करने लगे, जल पिलाते, उसका ध्यान रखते। और एक दिन की बात है कि मृग का झुंड आया और उस झुंड में वो चला गया है ना। अब इनका जब अब कथा को आगे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि अभी दसम स्कंद भी सुनाना है ना, नवम स्कंद में राम जी की कथा भी सुनाना, कृष्ण जन्म कराना है ना, तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं इसके बाद में प्यारे मालूम है, अब जब इनका अंतिम समय आया तो अंतिम समय में इनको कुछ नहीं याद आया, इनको बस यही याद आया कि पता नहीं वो कहाँ होगा, किसके साथ होगा, भूखा होगा कि प्यासा होगा, कि जिंदा होगा कि मर गया होगा। तो कहते हैं अंतिम समय लोग जीवन पूरा लगा देते हैं कि अंत समय में राम नाम शब्द निकले, लेकिन मालूम है भरत जी को राम नाम की याद नहीं आई, इनको कहते हैं उसी मृग की याद आई।
तो अंतिम चरण में भागवत बताती है कि हम जिसकी याद करेंगे हमको उसी योनि में जाना पड़ता है। इसीलिए दिन भर अगर भगवान का ध्यान चलता रहा तो समझ लो कि जीवन सार्थक है। अब जब मृग की याद आई तो दूसरा जब जन्म हुआ तो इनको पहले तो मनुष्य थे लेकिन मृग बनना पड़ा। अब ये प्यारे हरी घास नहीं खाते हैं, सूखे सूखे पत्ते खाते हैं। और एक बार की बात है कि वन में आग लग गई और सारे मृग भाग गए, लेकिन ये नहीं गए। भगवान का ध्यान करते हुए उस शरीर को छोड़ दिया, ये हो गया दूसरा जन्म। तीसरे जन्म में प्यारे अंगिरस नाम के पंडित जी के यहाँ इनकी दो पत्नियां हैं, जुड़वे संतान में इनका जन्म होता है। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि भाई अभी बड़े है गए, कहा गायत्री मंत्र सीख लो। अब ये सीखे सिखाए इनको क्या सीख रहे हैं। उन्होंने कहा आप हमें संसार की मोह माया जाल में नहीं पड़ना है। पंडित जी ने बहुत समझाया लेकिन ना गायत्री मंत्र सीखा। इन्होंने कहा सीख लेंगे तभी गायत्री मंत्र के बारे में कहते हैं, फिर कहेंगे ग्रह शांति करवाओ, फिर सत्यनारायण भगवान की सेवा की कथा की कथा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाओ, घर घर जजमानी करने जाओ, ये कौन करेगा। मोह माया के बंधन में पड़ जाएंगे, लाख बार कहा लेकिन कुछ नहीं इनके समझ में आता है। और कहते हैं पंडित जी ने कह दिया बिल्कुल जड़ ही है, नाम पड़ गया तीसरे जन्म में जड़ भरत। इसके बाद प्यारे कहते हैं इनको खेतों में भेज दिया गया और कहते अनाज पड़ा था, खेत बोए गए थे। भाइयों ने कहा कि पड़े पड़े खाता है, मोटा ताजा है, इसको अपन खेतों की रखवाली के लिए छोड़ दो। अब वहाँ प्यारे चिड़ैया दाना चुगती हैं और ये गीत गाते हैं, हैं? भाइयों ने कहा अच्छा मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा था क्या, हा? अरे दाना पड़ा है कि जो चिड़िया आए उनको भगाते रहना कि दाना ना चुगने पाए, और तुम कहते हो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट है। अभी ये ताली बजा रहे हैं और चिड़िया से कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, कहते हैं राजन एक मैं तुम्हें नाम महिमा की कथा को सुनाता हूं। नाम महिमा कहते हैं एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए और ये कर्म कांड कराते थे। एक दिन की बात है कि जा रहे थे तो एक व्यक्ति को एक गड़िका से कहते हैं संबंध बनाते हुए देख लिया और देखा तो इन्हें काम जागृत हो गया तो उस गड़िका को घर में अपने ले आया
और उसके द्वारा नौ पुत्र जन्मे। प्यारे कहते हैं एक दिन की बात है कि पहले प्राचीन काल में चतुर्मास पार करने वाले संत हुआ करते थे कि एक जगह रुक करके चार महीने भजन किया करते थे। तो कहते अयोध्या धाम से मंडली चली वृंदावन जाना था। प्यारे अब वो नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे कि श्री राम जय जय महाराज।
राज्य कहते हैं राजन परीक्षित। आज कहते हैं संतों की मंडली पहुंच गई अजा मिल के गांव, और रात्रि का समय हो गया था प्यारे। उन्होंने सोचा कि जब इस गांव से निकल रहे रात्रि हो गई है तो आज रात्रि यहीं विश्राम कर लेते हैं। जैसे ही भोर होगा सुबह होगा सो ही वृंदावन के लिए निकल पड़ेंगे। तो किसी गांव वालों से पूछा कि भैया उन्हीं के यहाँ रुकना है जो भक्त हो। बोले ठीक है। अजा मिल पहले तो पंडित था, लेकिन मालूम है जब से गड़िका का संग, देखो कल हमने बताया था ना कि जीवन में संग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत जीवन में आती है, ध्यान रखना। इसीलिए संग सदा हमेशा संतों का हो, अच्छे लोगों का होना चाहिए। आज जब कहते हैं अजा मिलने गड़िका का संग किया तो घर में एक एक दाने को तरस गया। पहले पंडिताई करता था, कर्मकांड करता था, अब चोरी डकैती करने लगा। रात्रि को आता है लूट मार करके 12-12 बजे रात्रि में काली पट्टी मस्तिष्क पे बांध कर प्यारे आता है और धन लूट करके लाता है। अब कहते हैं गांव वालों ने उपहास किया और संतों से कह दिया 30-40 मूर्तियां थी, उसमें एक महंत जी थे सबसे बड़े। उन्होंने उपहास कह दिया गांव वालों ने कि उनसे पूछा भैया गांव में सबसे बड़ा भक्त कौन है। तब जैसे कोई पूछे कि भाई गांव में कथा हो रही है परीक्षित जी कौन है, तो नाम आपका बता दिया जाए। लोगों ने बता दिया कि अजा मिल सबसे बड़ा भक्त है, उन्हीं के यहाँ चले गए। अब जा करके आवाज लगाई, गड़िका द्वार पे आई, कहा बेटी हम 30-40 मूर्तियां हैं, अयोध्या धाम से आए हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं। सो रात्रि हो गई है तो मन में भाव आया कि आपके यहाँ का प्रसाद लेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। तो गड़िका ने कहा कि मेरी मैया ने कहा था कि जीवन में साधु संत महात्मा से झूठ मत बोलना। उसने कहा मैं जाति से गड़िका हूँ, मैं आपको भोजन नहीं बना सकती, इसलिए आप यदि चाहे तो मैं आपको सूखी सामग्री दे सकती हूँ। गड़िका ने सूखी सामग्री दे दी प्यारे। इसके बाद आज संतों ने भोजन बनाया और गोविंद का भोग लगाया। सो ही जैसे पहला निवाला डाला सो ही प्यारे कहते हैं कि महंत जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा देखो संगत व्यक्ति को कैसे बिगाड़ के रख देती है। शराबी कबाबी वैसे आगामी लोगों का संग जीवन में यदि हो जाए तो जीवन में वैसे ही अवगुण हमारे आने लगते हैं। तो मालूम है आज कहते हैं महंत जी ने कहा इसके घर का हमने अन्न खाया है और मैं इसको सुधार के जाऊंगा। लेकिन सुधारे कैसे, क्योंकि अब अजा मिल पंडित नहीं रहा, अब अजा मिल डाकू नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा अब रात्रि में काली पट्टी बांध करके मस्तिष्क पे अजा मिल कहते हैं लूट मार के आया और देखा कि मेरे घर के सामने कोई मंडली पड़ी है। देखा जाकर कौन हो, कहां से आए हो, एक बात बताएं, जैसी संगत होती है जिस देवता की पूजा करने लगो वैसा ही स्वभाव होने लगता है, वैसे ही चेहरे में रंगत आने लगती है, ध्यान रखना। अगर भूत प्रेत की सेवा करोगे तो भूत प्रेत जैसे शक्ल होने लगेगी। हाँ, अगर भगवान राम की माता की और कृष्ण की सेवा करोगी तो वैसी मासूमियत चेहरे में छलकने लगती है, तेज आने लगता है। एक तेज होता है जो संसार के पाउडर क्रीम माल पुआ खाने वाला होता है ना, चमनप्रास रबड़ी वो वाला एक चमक होती है चेहरे में, और जो दिन भर रगड़ा जाता है पता नहीं क्या क्या लगा के उसकी चमक अलग होती है और एक प्राकृतिक चमक होती है ना।
तो भैया जो बनावटी है तो कुछ देर के लिए रहेगी, और जो सत्यता है जो रियल की है तो वो तो उसको कहीं भी छोड़ दो है। अब जैसे आर्गन वाले भैया काले हैं तो चाहे इनको धूप में छोड़ दो चाहे एसी में रख लो, क्यों अभी काले हैं तो काले ही रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्यारे, ये विनोद की बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये तो भाव है ना, चलता रहता है। तो आइए अभी बजवाना है ना हमको, तो बुराई नहीं ले सकते, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, अभी जन्म करवाना है ना हमको। हाँ तो कहाँ थे परीक्षित जी, गड़बड़ हो जाता है, भूल जाते हैं, कथा कहाँ चल रही थी, बीच बीच में भाई बता दिया करो आप लोग हैं, भूल जाते हैं कहाँ थे। परीक्षित जी भी भूल गए यार, चलो यही कह देते कि प्रांगण में कथा चल रही थी हैं? आइए कहते हैं प्यारे, जब पूछा कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो, महंत जी ने कहा हम संत महात्मा हैं, अयोध्या से आए हैं और वृंदावन जाना है। सो रात्रि हो गई तो मन में भाव आया कि आज आपके यहाँ विश्राम कर ले। अच्छा तो यानी तुम मुझसे ही कुछ लूटना चाहते हो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो महंत जी ने कहा आजा मिल, मैं जानता हूँ कि तुम पंडित हो, तुम पंडित हो और मालूम है, कहते हैं कि जब संत महात्मा साधु ब्राह्मण भक्त को भोजन कराओ, पहली बात अतिथि, ये ऐसे होते इनको आसन दिया जाता है, बैठ जाओ है ना, आसन शालिग्राम को बिना आसन के नहीं रखा जाता है ना, शालिग्राम भगवान को बिना आसन के नहीं रखा जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं संत महात्मा ब्राह्मण भक्त इन लोगों को पहले आसन दो, जब भोजन कराओ तो बाद में दक्षिणा देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है ना परीक्षित जी, तो ध्यान रखियो कल से, ठीक है ना। हाँ तो मालूम है दक्षिणा दी जाती है, और जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तो ये समझ लो तुम्हारा भोजन कराना ना कराना कोई फायदे का नहीं ना। तो महाराज आज महंत जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे यहाँ का भोजन किया है, अब दक्षिणा चाहिए। उसने कहा अच्छा, चोरों ने चोरों से कहा कि चोर चोरी कर लो हैं? तुम हमी से कह रहे हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, भागो यहाँ से, नहीं जो लोटा सोटा है वो भी छुड़ा के रख लूंगा। गड़िका आई, गड़िका ने कहा क्या कह रहे हो, अरे मैंने इनको रोक रखा है। बोले अच्छा, देवी उससे बहुत डरता था। अब यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नियों से डरते हैं, आइए मालूम है, कहते हैं पंडित जी, पंडित जी मालूम है उन्होंने कहा कि यहाँ से भागो, लेकिन गड़िका आ गई तो गड़िका ने कहा मैंने बुलाया है। बोले ठीक है, दो चार दिन और रख लो, कोई बात नहीं। महंत जी ने कहा आजा मिल, मुझे दक्षिणा के रूप में मैं एक चीज तुमसे मांगता हूँ। बोले क्या, तुम्हारे यहाँ ये जो है, देखिए जो धर्म पत्नी होती है उसका औधा बहुत ऊंचा होता है, ध्यान रखना, जो धर्म पत्नी होती है उसका जो औधा होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और जो बाहर की गोपिकाएं होती है तो उनका कोई दर्जा नहीं होता है प्यारे, उनका कोई दर्जा नहीं होता। आज महंत जी ने ये नहीं कहा कि ये पत्नी, उनको कहा उनके जब पुत्र हो इस बार दसवां संतान तो उसका नाम तुम नारायण। बोले ठीक है, देखो मूर्ख को कैसे मोड़ा जाता है,
ये भली भांत विद्वान और संतों को अच्छे से आता था। पता है आज कहते हैं उसने कहा ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं। और मालूम है आज कल की बड़ी विडंबना है, आजकल के लोग पहले के लोग मालूम है पहले के लोग क्यों ऐसा नाम रखते थे, रामचंद्र कृष्ण चंद बलराम गोपाल राघव राघवेंद्र, है ना। अब आजकल के लोग क्या क्या नाम रखते हैं, रिंकू टिंकू पिंकू बंटी बबली, है क्यों बंटी बबली टिंकू पिंकू रिंकू। अच्छा इन नामों से क्या कल्याण हो जाएगा क्या है? अरे भगवान जाने कौन कौन से नाम चले हैं, हैं? भैया पहले हमारे बुजुर्ग नाम रखवाते थे ना, तो वो सोच समझ के रखवाते थे कि अगर जीवन में पूजा पाठ नहीं करेगा, अगर ध्यान आदि तप तपस्या नहीं करेगा, तो कम से कम नाम के सहारे तर जाएगा, है ना, नाम के सहारे, क्योंकि नाम महान होता है, नाम व्यक्ति का महान होता है, नाम भी अपना असर छोड़ता है जीवन में, ध्यान रखना है। अब कहते हैं इधर नारायण नाम बता दिया, ठीक है। इसके बाद महात्मा चले गए, दसवीं संतान हुई प्यारे, तो अजामिल ने नारायण नाम रखा। जब अंतिम समय आया अजामिल का, तो प्यारे क्योंकि पहले पंडित जी था, बीच में दुष्ट चोर डकैती इन सब कामों को किया, तो पता है पाप लद गए। जिस प्रकार से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के, पता है अनेक प्रकार के हम बैंक खाता खुलवाते हैं ना बैंकों में, उसी प्रकार से हर मनुष्य के जीवन में दो अकाउंट है, कौन से, भगवान के यहाँ एक पाप का और दूसरा पुण्य का। सभी के जो जितने संसार में मानो है सबके नाम का एक पाप का एक पुण्य का खाता खुला हुआ है। हम लोग जैसे यहाँ भारतीय स्टेट बैंक है ना, और बड़ौदा बैंक, इन बैंकों में धन कमाते हैं जमा करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ यहाँ जैसा पाप करते हैं तो पाप वाले बैंक में जमा होता है, पुण्य करते हैं तो पुण्य वाले बैंक में जमा होता है। अब फिर इसके बाद जब व्यक्ति जाता है जीव, तो वहाँ से पाप पुण्य, भाई धन तुम्हारी जीवन की कमाई है ना, तो निकाली जाती है, अकाउंटिंग की जाती है, वहाँ गिना जाता है कितना कमाया। अब तुमने पाप कमाया है 5 किलो, है ना, और पुण्य कमाया है 500 ग्राम, तो बताओ क्या होगा। जब तक पुण्य है तब तक तो जीव स्वर्ग में रहता है, यह हम नहीं कहते शास्त्र कहते हैं, स्वर्ग में रहता है। इसके बाद प्यारे जैसे पुण्य वहां से खत्म, तो वहां से ढकेल दिया जाता है, तो सीधे नरक में गिरता है, ध्यान रखना। इसलिए सुंदर कर्म कीजिए। अब कहते हैं यमदूत जब लेने आए तो यातनाएं देने लगे। देखा होगा जो लोग कभी कभी मरते तो कहेंगे अरे भयानक दृश्य दिखाई देते हैं, कहेगा बर्राता है, अरे मुझे पकड़ो, मुझे ये दिख रहा है वो दिख रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं। तो ये यमदूत यमराज के यमदूत आते हैं, यातनाएं देते। आज जब यातनाएं देने लगे यमदूत अजामिल को, तो उसने चिल्लाना आरंभ किया, बच्चा नारायण नारायण नारायण, आओ बालक कहाँ हो, आओ बालक कहाँ हो। तो भगवान के पार्षद आ गए, उन्होंने सोचा ये तो नारायण का भक्त है पुकारा। अब भगवान के पार्षद आ गए, प्यारे बीच में पड़ा है अजामिल, इधर यमदूत खड़े उधर पार्षद, वो कहते हम ले जाएंगे, इसने जीवन में पाप किया। उन्होंने कहा नहीं, इसने भगवान के नाम को गाया, इसको हम ले जाएंगे। अब इस दृश्य को प्यारे कहते हैं बीच में पड़ा अजामिल सुन रहा है कि देखो मैंने केवल बालक का नाम रखा, नारायण 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 बुलाया, और अगर मैं जीवन में परमात्मा की भक्ति करता तो मुझे कभी जीवन में नरक में नहीं जाना पड़ता। प्यारे
आज कहते हैं भगवान के पार्षद अजाजा को नहीं आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की, हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन शादी है ना तो आगे आप रखलवा लेते हैं। अब बेचारे भक्तों का मन बिगड़ने लगता है, हैं? प्रसादी देख करके। अब भाई एक घंटा हो तो ठीक है, दो घंटा हो तो ठीक है, चार घंटा से अब रखे हैं, लड्डू भी रखे, फल भी रखे, तो देख देख के दिमाग खराब हो रहा है ना, मन ललचा रहा है कि कब कथा व्यास जी समाप्त करे तो ये मिले हमें, हैं? भजन भी नहीं करते। अरे एक बार ऊपर को हाथ उठा लो भैया, मेरी मैया है, कर लो मेहनत और बस आधे घंटे की बात है, इसके बाद फिर नहीं तुमसे कोई कहेगा बार बार, है? कम से कम इतनी देर बैठे हो तो उसका कुछ ले लो फल, है?
तो ये जो आधे आधे टूटे टूटे हाथ दिखाई दे रहे हैं ना हमको, तो इतने हो जाएंगे, ध्यान रखना, भगवान भी इतने कर दे। अरे पूरे पूरे उठाओ हाथ, कम से कम आज चौथा दिन है, पूरे पूरे हाथ ही नहीं हमने देखा कि कितने लंबे चौड़े सजेरा वालों के हाथ हैं। सर्दी लग रही है क्या? इतनी तो धूप निकली फिर भी ऐसे ठिठुर रहे जैसे कि बर्फ पड़ रही। और हाँ, अभी नहीं करना है नीचे को, कम से कम दो चार बोल तो बोल ही लो, मेहनत कर लो हैं। सभी लोग ऊपर को हाथ करेंगे। हाँ भाई, सभी लोगों को करना है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में भजन करेंगे। कम से कम ताली की आवाज कहाँ तक, कदौरा तक तो जाना ही चाहिए हैं? तो वहाँ के लोग भी अपना काम धाम छोड़ के आ जाए कथा सुनने तुम्हारी। कम से कम इतनी तेजी से ताली बजाना। जय हो, सभी लोग महाराज जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से मालूम है राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी प्यारे कहते हिरण्यकश्यप की कथा को सुनाते हैं। कौन से भक्त प्रहलाद जिनके यहाँ आए, कहते हैं एक बार की बात है कि सनत सनंदन सनातन चारों भैया गए वैकुंठ में दर्शन के लिए। जय विजय नाम के पार्षद दो खड़े थे और उस समय भगवान का विश्राम का समय हो रहा था। प्यारे शांति बनाए रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, बस थोड़ी देर में ही बस कथा विराम की ओर ले चलेंगे। शांति बनाए रखिए, हमें भी पता है समय हो रहा है आप लोगों का। प्यारे, प्यारे कहते हैं कि गए दर्शन के लिए तो जय विजय ने कहा कि अभी मैं आपको भगवान से नहीं मिला सकता क्योंकि इस समय हमारे प्रभु विश्राम अवस्था में। उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे पिता से मुझे रोकने से मना करते हो, मुझे कौन रोक सकता है? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तीन जन्मों तक तुम राक्षस हो जाओ। प्यारे, आज कहते हैं इधर जय और विजय जो भगवान नारायण के पार्षद हैं, इधर पहला जन्म हो रहा है इनका। कहते हैं महाराज कश्यप हैं, महाराज कश्यप, इनकी 13 पत्नियां हैं। दिति से असंख्य राक्षस हुए और अदिति से 33 करोड़ देवी देवता। एक बार की बात है कि समस्त ये जितने भी हम वृक्ष देख रहे हैं, नदी जलाशय, ये सब महाराज कश्यप की पत्नियों के द्वारा ही आए हैं। विश्राम सागर में वर्णन आता है कि नदी जलाशय पेड़ पौधा पशु पक्षी, अरे यहाँ तक की बात ही क्या है प्यारे, सांप बिच्छू भी महाराज कश्यप की पत्नियों के गर्भ के द्वारा, समझ लीजिए ये विश्राम सागर में, हम नहीं कह रहे।
मालूम है, कहते हैं उन्होंने कहा कि सभी रानियों के बालक हैं और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। यही समय था, संध्या का समय। प्यारे दिति महारानी ने कहा, महाराज कश्यप के पास गई और कहने लगी कि मुझे बालक चाहिए, मुझे बालक चाहिए, मेरे कोई बालक नहीं है। महाराज कश्यप ने मना किया कि सुनो देवी, कहते हैं ये संध्या का समय है, इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ में घूमते हैं, तो इस समय किया गया गर्भाधान कहते हैं सही नहीं होता। जो बालक होता है तो वो उत्पन्न होता है, और मालूम है संध्या के समय कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये काम काज संसार की बातें जीवन भर है, ये बार बार समय नहीं आएगा। मालूम है संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, जब दिन जा रहा हो रात्रि आने वाली हो, बीच का समय जो होता है उसे संध्या कालीन कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या कालीन। हाँ, इस समय ना भोजन किया जाए, ना भोग किया जाए, और ना सोया जाए, ना पढ़ा जाए। ध्यान रखना। एक बार की बात है कि दरिद्रता देवी माता लक्ष्मी की बहन है, जो रोती रोती पहुंची। बहुत सारी बातें हैं, अब बताने लग जाओ तो कथा पीछे रह जाती है, है ना? तो माता लक्ष्मी के पास में दरिद्रता रोते रोते गई और कहा, बहन आपका सम्मान होता है, मेरा कहीं सम्मान नहीं है, मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हें स्थान देती हूँ, जिस घर में संध्या के समय कलेश हो रहा हो, आपस में झगड़ा हो रहा हो, उस घर में जाकर के तुम बैठ जाना। जिस घर में सुबह के समय लोग सूर्य का उदय हो जाए और फिर भी ना लोग जगे, तो उस घर में जाकर के तुम बैठ जाना। जिस घर में रात्रि में जूठन बर्तन रख दिए जाते हो पानी भर के, उस घर में तुम जाकर के बैठ जाना। बताया। और इसके बाद बताया कि जिस घर में शाम के समय दहलीज के बाहर दिया रखा मिले, सुबह के समय जल का छिड़काव चौतरे के बाहर मिले, इसके बाद संध्या के समय भगवान का भजन हो रहा हो, तो उस घर में तुम कभी ना जाना। प्यारे आज महाराज कश्यप ने कहा, देवी इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ में भ्रमण करते हैं, इसलिए इस समय किया गया गर्भाधान बेकार होता है। अब दुराग्रह के आगे झुके और उन्होंने कहा, तुम्हारे दो बालक होंगे लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। भारत की वो पहली नारी है प्यारे, जिन्होंने 100 वर्ष तक, अब दिति माता ने कहा कि मैं इन पुत्रों का जन्म ही नहीं दूंगी, मैं इन पुत्रों का जन्म ही नहीं दूंगी। प्यारे 100 वर्ष तक दिति माता ने गर्भ को धारण कर रखा। इसके बाद जब जन्म हुआ, इनका तेज बढ़ता गया। प्रथम पुत्र का नाम है हिरण्यकश्यप, दूसरे का प्यारे कहते हैं। इसके बाद में हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के कहते हैं गंदी जगह पे छिपा दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी बैठे थे तो ब्रह्मा जी की नासिका से कहते हैं छींकाई और नासिका से शुक्र का एक बच्चा निकला और सीधे जाकर के समुद्र में गया और कहते हैं पृथ्वी को निकाला, और जैसे ही दांत पे रख कर लिए जा रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखो भगवान का काम भी हमारे बगैर नहीं चलता है, हमारे बगैर भगवान का भी काम नहीं चल रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें अभिमान हो गया है, तो कहते हैं वृंदावन ले गए और वृंदावन से जाते हुए जब देखा पृथ्वी ने, अरे जब मैं नहीं थी तो ये कौन सी जगह है? बताया ये हमारा घर है, ये धाम है, ये वृंदावन है। मालूम है ये वृंदावन है।
बोले अच्छा वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। बोले अच्छा आज वृंदावन में कहते हैं पुष्पों को देखा पक्षियों का कलरव सुना और देख करके कहते हैं पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया। इसके बाद में कहते हैं पृथ्वी की स्थापना हुई और भगवान ने भगवान बारह हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी की स्थापना कर दिया। बोले भगवान बारह की। इसके बाद कहते हैं हिरण्याक्ष से युद्ध करते समय भगवान के शरीर से जो रुएं गिरे वो आज हमारी पृथ्वी में कुसी कुसा जानते हैं कुसी की कहीं कहते हैं कहीं कुसा कहते हैं कुसा के रूप में निकले जो कि पवित्र मानी गई है ना। पति बनाकर पहना जाता है ना पूजन में तो भगवान वाहरा के शरीर के ये रूमे हैं। इसके बाद अभी ये इस बात को जब सुना हिरण्यकश्यपु तो उसने कहा मैं तपस्या करूंगा वन में जाऊंगा और भगवान से वरदान प्राप्त करके आऊंगा। इसके बाद नारायण से युद्ध करूंगा और नारायण को समाप्त करते प्यारे कहते हैं तपस्या के लिए जाता है। इसकी पत्नी कयाधु गर्भ से थी जो कि इस बार पुत्र होना है। इंद्र आया और हाथ पकड़ के जैसे ले जाने लगा प्यारे बीच में नारद जी मिल जाते हैं अपने पास कुटी में रखा और सत्संग किया। कहते हैं जिस माँ ने गर्भ को धारण कर रखा हो उसको चाहिए कि हमेशा सुंदर दृश्य देखे सत्संग करे और भागवत रामायण गीता आदि का पाठ करे जिससे कि सुंदर गुण जो गर्भ में बालक या बालिका है उसमें आए प्यारे। इसके बाद में कहते हैं कयाधु ने एक बालक का जन्म दिया उसका नाम प्रह्लाद रखा। इसके बाद में प्यारे अभी धर तपस्या करके आता है और कयाधु को महल में पहुंचा दिया गया। आज प्रह्लाद जी को विद्यालय में भेजा हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए और प्रह्लाद जी का मन नहीं लगता। इसके बाद भजन करते हैं कि भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
बोले नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से आज प्रहलाद जी ने अपने पिता को उपदेश दिया। प्यारे उसने कहा, अरे तुझे किसने बताया ये नारायण नाम, ये मेरा शत्रु है। हाँ, किसने बताया और गुरु को बुलाया, ये किसने सिखाया है? जाओ इसको ले जाओ यहाँ से और दोबारा इसको शिक्षा अध्ययन कराया जाए। फिर से अब दो चार महीने बाद फिर से बुलाया, बेटा तुमने क्या पढ़ा है, क्या शिक्षा अध्ययन की है? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पद सेवनम अर्चन में वंदन में दाश्यम साख्यात्मनिवेदनम। प्यारे हे पिताश्री, भगवान नारायण के पाने के लिए नौ प्रकार की भक्ति है। अगर तुम नौ प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते हो तो हे पिताश्री, एक भक्ति को अपना लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। अब जैसे ही उसने कहा तो उसको बड़ा क्रोध आया और कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। प्यारे कहते हैं अब प्रहलाद जी को यातना देने लगा। अब ये हमारी जो माताएं लोग जा रही है ना, तो बस थोड़ी देर की और कथा है। अब लाला का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, तो अब जो लोग निकल चुके हैं तो ठीक है, लेकिन अब मत जाना क्योंकि बस थोड़ी देर की और बात है। कहो तो 10 मिनट में करवा दे, हैं 10 मिनट में करवा देते हैं। तो बस थोड़ी देर और कथा चलेगी, इसके बाद सीधे हम चलेंगे लाला के जन्मोत्सव में। अब बढ़िया बधाइयां गाएंगे, बधाइयां लेंगे और खुशी खुशी से सभी अपने घर जाएंगे। बस थोड़ी देर की और बात है, सब्र कर लो, हैं। तो जो लोग चले गए हैं तो वो चले जाए, लेकिन अब ना निकलना भैया, अब ना निकलना कोई। आइए, कहते हैं इस प्रकार से कहते हैं प्रहलाद जी को यातनाएं दिया गया और अग्नि से तपित खम्भे को बुलाया, सैनिकों से मंगवाया और इसके बाद कहा कि इस खम्भे में इसको बांध दो। और प्रहलाद जी ने दृश्य को देखा कि खम्भे में एक चींटी ऊपर से नीचे की ओर आती है जाती है। प्रहलाद जी ने कहा जब ये अग्नि से तपित खंभे में चींटी नहीं मर रही तो मैं नहीं मर सकता। प्यारे मैं नहीं मर सकता हूँ। और जैसे ही प्रहलाद जी को खंभे में बांधा सैनिकों ने, तो कहते खंभा फाड़ करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। प्यारे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और मालूम है आज भी संसार में भक्त ऐसा हो तो आज भी परमात्मा खंभा फाड़ करके प्रकट हो सकते हैं। कि सूर्य ने के फिरे कड़े मांगत पीपत सूरज स्वाद कहा पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी
दादा कहाँ अनर सिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ आज भी हर खंभे में नरसिंह बसे हैं लेकिन भक्त होना चाहिए प्रहलाद जैसे। अब कहते हैं नरसिंह के हुमार भरने लगे और हिरण्यकश्यप को पकड़ा अपनी जंघाओं पे लिटाया। यही समय था, संध्या का समय था। आज हिरण्यकश्यप हंसने लगा।